टीवी का चर्चित शो कौन बनेगा करोड़पति काफी चर्चा में बना हुआ है और जो प्रतियोगी आ रहे हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। कई बार ऐसे प्रतियोगी हॉट सीट पर बैठ जाते हैं जिनको ज्ञान तो बहुत होता है लेकिन कहीं ना कहीं वो आकर अटक ही जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि वो अटकते भी अपने ज्ञान के एरिया में ही है। ऐसा ही कुछ हुआ जब KBC की हॉट सीट पर बैठी थी पटना से आई हुई एक साइंस टीचर जिनका नाम था संगीता कुमारी, जो पेशे से टीचर हैं और बच्चों को साइंस पढ़ाती हैं। और जैसा कि मैंने कहा था कि वो आगे जाकर अटक गई और वहीं अटकी जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा ज्ञान है। बिहार की राजधानी पटना से आई संगीता को पता नहीं था कि वो खेल में एक विज्ञान के सवाल पर जाकर ही अटक जाएंगी और उन्हें शो से क्विट करना पड़ेगा। संगीता ने कई सारे सवालों के जवाब दिए और वो 25 लाख के सवाल पर पहुंच गई थी लेकिन तभी आया वो सवाल जिसने संगीता को रुकने पर मजबूर कर दिया। संगीता से पूछा गया था कि ऐसे कौन से वैज्ञानिक हैं जिनके नाम से पीरियोडिक टेबल में किसी भी रसायन का नाम नहीं है। इसके चार ऑप्शन भी उन्हें दिए गए थे, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट नोबेल, थॉमस एडिसन और एनरिको फर्मी। लेकिन संगीता इस आसान से सवाल का जवाब नहीं दे पाई और उन्होंने इस सवाल पर क्विट कर दिया, जबकि इस सवाल का जवाब है थॉमस एडिसन। अब गौर करने वाली बात तो ये है कि 9वीं और 10वीं क्लास का ये सवाल जिसका जवाब एक साइंस पढ़ाने वाले टीचर को नहीं पता, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अब क्या करें, संगीता तो सवाल का जवाब नहीं दे पाई और 12,50,000 पर उन्होंने गेम को क्विट कर दिया। संगीता ने गेम क्विट करने के बाद जो जवाब दिया वो वैसे भी गलत था। एपिसोड के दौरान संगीता ने अमिताभ को अपने संघर्ष की कहानी भी बताई कि किस तरह से वो डॉक्टर बनना चाहती थी लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति के चलते वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाए। वहीं KBC पूरी तरह से चर्चा में बना हुआ है और ला रहा है आपके सामने एक से बढ़कर एक प्रतियोगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.